नृत्य धाम कला समिति द्वारा आयोजित देश राग ओपन राष्ट्रीय नृत्य संगीत सहित ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन दुर्ग भिलाई में किया गया था। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय तबला वादक पंडित प्रोसेनजीत पोद्दार, पश्चिम बंगाल सरकार में सांस्कृतिक विभाग के दीपक सरकार श्री मोरध्वज अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। SNG विद्या भवन और सुराना कॉलेज दुर्ग में पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लगभग 250 बच्चों ने इसमें भाग लिया था। नृत्य धाम कला समिति द्वारा आयोजित देशराग ओपन राष्ट्रीय नृत्य संगीत सहित ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन दुर्ग और भिलाई में किया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय तबला वादक पंडित प्रोसेनजीत पोद्दार, पश्चिम बंगाल सरकार में सांस्कृतिक विभाग के दीपक सरकार श्री मोरध्वज अतिथि के रूप में शामिल हुए। SNG विद्या भवन भिलाई और सुराना कॉलेज दुर्ग में पश्चिम बंगाल, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लगभग 250 बच्चों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया था। इस आयोजन में श्री निकेतन कथक कला केंद्र के बच्चों ने अनुप्रीता मैम के निर्देशन में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखलाया और श्री निकेतन कथक कला केंद्र की स्टूडेंट ईरा पुरोहित, वंशिता अनुष्का दीवी ने कथक नृत्य में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त कर गौरवान्वित किया। देशराग के विशाल मंच पर निकेतन कथक कला केंद्र की नन्ही बच्चियों ने राजस्थान फोक डांस की प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। आस्था इनाया अग्रवाल, वान्या आर्ची, सानवी पीहू, प्रीतिशा नितिशा इष्टी ने फोक डांस में अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। विजय प्रतिभागियों ने यहां पर आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें प्रशिक्षित करने वाली शिक्षिकाओं का आभार प्रदान किया। बहुत महीनों से डांस सीख रही हूँ, उनने मेरे को इंटरनेशनल डांस में पार्टिसिपेट करवाया, मेरा ग्रुप फर्स्ट आया, मैं अनुप्रीतम मैम को धन्यवाद कहना चाहती। बहरहाल इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस मंच के माध्यम से बच्चों ने अपने अंदर छिपी कला का प्रदर्शन किया और सबका मन मोह लिया। ACN न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।